हाँ तो रुफ्टे, इस वीडियो के अंदर हम एल्पेक्स सोलर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, तो जो कंपनी है 93 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 30 साल से ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। देखिए, तो जो कंपनी है, कंपनी सोलर पैनल बनाती हुई हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली यहाँ पे पीएम मोदी ने भी सूर्योदय योजना यहाँ पे उन्होंने भी लॉन्च की है। तो उसके बाद में जितने भी यहाँ पे सोलर पैनल्स हो गए या फिर उसके अलावा जितने भी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती है तो उनके अंदर अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रनअप अभी हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकदम फैंसी स्टॉक में ये अभी सेक्टर फैंसी हमें यहाँ पे ये मार्केट में ये सेक्टर भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो एकदम सही टाइम पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन करके जो कंपनी है ये हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे टाटा पावर हो गया, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे जो दो लिस्टेड कंपनीज है शक्ति पंप्स और टाटा पावर, ये हमें यहाँ पे मेन कंपनी के कस्टमर लिस्ट में नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो अच्छा खासा कस्टमर बेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है तो उसको कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे आज जो इनका एग्जिस्टिंग सोलर मॉड्यूल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको वहाँ पे कंपनी को एक्सपांड करना है। लगभग वो कंपनी को 750 मेगावाट से वो कंपनी को यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम की यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को ओपन करनी है। तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कैपेक्स वगैरह ये कंपनी कर रही है तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और मार्केट में अगर हम देखेंगे तो डिमांड भी काफी ज्यादा में यहाँ पे सोलर पैनल्स की नजर आती है। फिर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट ये जो ऑब्जेक्टिव कंपनी ने दिया है तो इसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मार्केट इसे पॉजिटिव वे में ले सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 149 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें 168 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लगभग 12-13% के लगभग का ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले साल वाला यानी कि जो 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था तो वहाँ पे लगभग 195 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर वहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे भी लगभग 12-13% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लगभग 14-15% से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी अगर हम 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल कंपनी ने पूरे साल में जो रेवेन्यू किया था उससे ज्यादा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का पिछले 6 महीने में नजर आता है। और ये नंबर आया है 213 करोड़ पे, और जबकि पिछले पूरे साल कंपनी ने 195 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी ने किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ वाइज कंपनी का ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर ये नंबर हमें 19 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3.78 करोड़ रुपीज के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे लगभग 7.60 करोड़ रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग यहाँ पे कंपनी की तरफ से की गई है ऐसा मुझे लगता है। ये नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे सही नहीं है। तो अगर हम मार्केट में अगर हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा यानी कि जो लार्जेस्ट अगर हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स करके ये जो कंपनी है हमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हमें यहां पे नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो उनके अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो उनके मार्जिन हमें लगातार डिक्लाइन होते हुए नजर आए। उनके मार्जिन में हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। और अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे एकदम से यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्जिन इंप्रूवमेंट मेरे ख्याल से कैसे हुआ, ये मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड फ्लैग कंपनी के रिजल्ट में है ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम कंपनी के बोरिंग से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 47 करोड़ के लगभग कंपनी का बोरिंग था। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये नंबर हमें 41 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो 6 करोड़ की बोरिंग हमें कम होती हुई नजर आई है, इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो इसी वजह से भी हमें थोड़ा नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन कंपनी का काफी कम है। लगभग 213 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 7-8 करोड़ के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 3.5-4% के लगभग का ही नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर नहीं आती है।
और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी चाइना में सोलर पैनल का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आता है। और जिस रेट में अभी चाइना का जो सोलर पैनल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने अभी 5 या 6 महीने या फिर 1 साल पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोलर पैनल के ऊपर जो हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते थे वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक सेक्टर फैंसी भले हमें यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो बियॉन्ड पॉइंट मुझे लगता है कि प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनीज का हमें ग्रोथ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 115 रुपये पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 74 करोड़ 52 लाख रुपीज़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे आई थिंक लगभग 24-25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के SME प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 14 को आपको रिफंड मिल जाएगा और 14 को ही आपके डिमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 15 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,38,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 280 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से, यानी कि जो अभी 6 महीने की जो कंपनी की अर्निंग दिख रही है हमें लगभग 7.5 करोड़ के लगभग, तो उसके हिसाब से अगर हम ये अगर मान के चलते कि लगभग 15 करोड़ के लगभग ये कंपनी हमें प्रॉफिट करती हुई नजर आएगी, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 18 के P/E रेशियो पर ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर करंटली अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 90% के लगभग ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको 1,20,000 या फिर 1,25,000 रुपए आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे सेक्टर फैंसी हमें यहाँ पे नजर आता है। पब्लिक का अगर हम रिस्पॉन्स अगर हम देखेंगे काफी ज्यादा पब्लिक यहाँ पे ये सेक्टर से रिलेटेड अभी पब्लिक काफी ज्यादा पागल है, यानी कि यूफोरिया काफी बड़ा हमें काफी अच्छा यूफोरिया हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट से लिस्टिंग गेनिंग के लिए तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, लेकिन क्या आपको क्योंकि देखिए अलॉटमेंट तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहने वाले, लेकिन क्या आपको इसको बाद में लेना चाहिए, यानी कि जब ये आईपीओ का लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या आपको इसको लेना चाहिए। तो अगर हम एक बार के लिए मान के चलते कि लगभग 100% की प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, तो उस वक्त अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे लगभग 550 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप वहाँ पे कंपनी का हो जाएगा, और हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग फॉरवर्ड पी हमें लगभग वहाँ पे 35 टाइम्स के लगभग कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जिस तरीके के मार्जिन की अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर एकदम भी कंपनी का रेवेन्यू का नंबर अगर हमें कम होता हुआ नजर आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें जो पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि इतने कम मार्जिन में जहां पे कंपनी के पास में इतना ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो पी रेशियो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद में मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बड़ी कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल्स अगर यहाँ पे जो इतनी बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हमें यहाँ पे नजर आती है, अगर उन्हें अभी मार्जिन में अगर दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो चाइना में जो इतना सस्ता सोलर पैनल मिलता है जहां पर अभी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी और हटा दी और अभी यहाँ पे सप्लाई भी काफी ज्यादा है, तो उनको अगर इनकैश करना है तो डेफिनेटली वो और कम प्राइसेस करके बेच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 50% ये सोलर पैनल्स के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे हमें कम होते हुए नजर आए, और वहां पर अगर हम देखेंगे अगर कंपनी का जो प्रॉफिट का जो नंबर है खास करके नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं एकदम से बढ़ा है, तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी ने मैनेज किया हो। लेकिन देखिए अभी पागलबंदी काफी ज्यादा चल रही है, अगर हम ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर की अगर हम बात करेंगे वहां पर भी मेरा व्यू नेगेटिव था, और अगर हम अभी अगर हम बात करेंगे तो लगभग आई थिंक आईपीओ प्राइस के 3 गुना वो हमें ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है कि यहां पर भी जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली यहां पे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली पब्लिक यहां पर आके खरीदती हुई हमें नजर आएगी, और उसके बाद में हो सकता है कि जो लिस्टिंग होगी उसके बाद में भी हमें यहां पे ये स्टॉक डबल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए जहां पर डाउनसाइड काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर बाई चांस अगर वहां पे अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो वहां पे 50-60% आपकी कैपिटल के हो सकते हो, वो भी आपको वहां पे पता रहना चाहिए अगर आप यहां पे ये स्टॉक को लिस्टिंग के दिन अगर आप खरीद रहे हो। तो मेरा तो पॉइंट यहां पे ये रहेगा, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे क्योंकि मुझे लगता है कि यूफोरिया काफी अच्छा चल रहा है तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको बाद में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। हाँ अगर बाई चांस अगर 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो डेफिनेटली मैं भी इसमें बाय कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की अभी पागलबंदी हो रही है मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आईपीओ
100% के नीचे में खुलता हुआ नजर आएगा। तो लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एल्पेक्स सोलर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।